अश्वनी दीक्षित ब्लॉग की एक और नई वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने दोबारा से लेकर आए हैं ब्रीजा टॉप मॉडल 2017 मॉडल। ये गाड़ी है, ZDI प्लस वर्जन है, डीजल वर्जन ये गाड़ी है। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने इसको कन्वर्ट कराया है ओल्ड मॉडल से न्यू शेप में, जो अब ब्रीजा आ रही है 2021 में उस शेप में कन्वर्ट कराया है। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम इसके बैक साइड में टेल लाइटों को भी अपग्रेड कराएंगे, उनको बहुत अच्छी शेप देने की कोशिश करेंगे। तो आज वो दिन आ चुका है कि आज हम इसकी टेल लाइट और पीछे भी थोड़ी सी एक दो चीज़ों पर मॉडिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। वो किस तरीके से होती है वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा कि किस तरीके से हम पीछे बैकग्राउंड के जो टेल लाइट है इसकी बैक की उनको कैसे अपग्रेड कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक दो चीज़ों को और हम अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसमें कैसे अपग्रेडेशन कर रहे हैं वो वीडियो में आप आगे देखिएगा। Artlist.io Music Licensing Reimagined. Artlist.io Music Licensing। जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस तरीके से हमने ये टेल लाइट है, टेल लाइट ये कंपनी वाली नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये ताइवान है LED लाइट है। देखो आप बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे ये LED लाइट है पूरी, ये LED है, ये ऊपर इसका इंडिकेटर है, ये स्टॉपर है जब हम ब्रेक मारते हैं। तो इसको हमने हल्का से स्मोकी कराया, वीडियो में आपने देखा होगा किस तरीके से उसको स्मोकी किया जा रहा है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था ये स्पॉयलर है जो हमारा, ये वाला जो स्पॉयलर है ये भी हमने रैप कराया है ब्लैक कलर में। आप देख रहे होंगे किस तरीके का बढ़िया कॉम्बिनेशन आ रहा है गाड़ी का बैक साइड से। तो मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था, जो इससे पहले वीडियो आई थी ब्रीजा की जब हमने इसको अपग्रेड करा था न्यू वर्जन में, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से इसको अपग्रेड कराया हमने। आप देख सकते हैं टेल लाइट कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है। इसको हल्का स्मोकी किया गया है क्योंकि स्मोकी आप गाड़ी पे एक कॉम्बिनेशन भी देख पा रहे होंगे वाइट येलो और ब्लैक का, एक पूरी गाड़ी पे आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा होगा। तो ये बैक साइड से हमने इसको इस तरीके से अपग्रेड कराया है। हालांकि इसकी जो कंपनी से जो लाइट आती हैं, जो अब पहले लाइट थी वो भी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, और जो 2021 में आई है वो स्क्रीन पे भी वो भी लाइट आपको टेल लाइट दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैंने उन दोनों में से कोई सी भी लाइट अपग्रेड नहीं करी है। मैंने इसको LED फुली LED लाइट में कन्वर्ट कराया है। आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का आपको दिखाई भी दे जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो इनको मैंने फुली LED लाइट में अपग्रेड करा है, इसके साथ साथ स्पॉयलर को भी अपग्रेड करा है। और स्पॉयलर का आपको ओवरऑल लुक गाड़ी की बैक साइड से दिखाई दे रही होगी कैसी लुक है। इधर आप देख सकते हैं ये बम्पर सेम ही जो आज के मॉडल में आ रहा है वो भी सेम बम्पर है, आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर। यह आपको मैं साइड से भी दिखा देता हूँ, सेम बम्पर आता है लेकिन बस उसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या है कि ये वाले जो सेंसर हैं उसमें थोड़े से चेंज दे दिया गया है, छोटे हल्के से छोटे सेंसर हैं, ये बड़ा सेंसर है, जो आप जो सेंसर आ रहा है वो छोटा सेंसर आता है, इतना सा ही चेंजिंग है, ज़्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं है। तो मॉडिफिकेशन बैक साइड में कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स की आने वाली वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे और अपना अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें।